तो हम चल रहे थे इस पक्की सड़क पे फ्लिंडर्स पे, ये फ्लिंडर रेंजेस के जंगलों के बीच में से निकलती है इकलौती पक्की सड़क, काफ़ी हेल्पफुल रही। लेकिन अब इस सड़क को छोड़ना होगा और हम जाएंगे अब एक और सीनिक ड्राइव, बुनियेरो गोर्ज। 18 किलोमीटर की ड्राइव है, हमें पहुंचना है ब्राचीना गोर्ज जो 30 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ तक पहुँचना है हमें। और ये फिर से वैसी सड़क होगी, उबड़ खाबड़ काफ़ी, तो हम तो जाएंगे, देखेंगे आगे की आगे कैसे क्या है। अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो वापस मुड़ के आ जाएंगे और पक्की सड़क पे आ जाएंगे, बट एक चांस तो लेते ही हैं, एक चांस तो लेना बनता ही है अंदर जाके। और विलेपिनो पाउंड को हम पीछे छोड़ आए हैं और फ्लिंडर रेंजेस में अब हम आगे जाएंगे, कुछ आगे अट्रैक्शन अगर मिलेंगे तो वो देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे एरिया को। बने रहिए। तो हम निकल पड़े हैं बुनियारो रोड फ्लिंडर रेंजेस से, एक कच्चा रास्ता एक और जंगलों के बीच में से रास्ता, चाहे कच्चा भी हो बट एक रास्ता है, एक पथ है कि भाई इस पथ पे चलते रहो, मंजिल पे पहुंच जाओगे, भटकोगे नहीं। और ये एक सीनिक ड्राइव है, अगर आप नेचर के शौकीन हैं, प्रकृति को देखने का शौक रखते हैं, तो काफ़ी खुले मैदान, पहाड़, पेड़, गाड़ियाँ उनकी स्पेशल है, उनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इसी में चला।
के चर लेते हैं, वो तो खुद फांद कर जाते हैं, और दोपहर के टाइम कहीं छाया देख के बस सपना सुस्ताते रहते हैं, और जैसे शाम का टाइम होगा फिर निकल पड़ेंगे। आप क्या खा रहे हो? मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ, आड़ू, वेरी टेस्टी। टेस्टी एंड ठंडा? ठंडा है। वेरी गुड। फ्रूट खा के ही पेट भर गया। आज का ब्रेकफास्ट एंड लंच फ्रूट्स। आज सुबह वो जो दही खरीदी थी स्टोर से वो खाई, एक एक आइसक्रीम खाई, और अब ये फ्रूट्स खाएंगे, और फिर शाम को जहाँ ठिकाना होगा पता नहीं कहाँ होगा, चिल्ली क्या खिलाएगी और पता नहीं क्या खाना होगा, कहाँ ठिकाना होगा अभी तक नहीं पता। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो तो आज का हमारा दूसरा डेस्टिनेशन बुनियारो लुकआउट। बुनियारो इस जगह का नाम है, यहाँ पे एक वैली है बुनियारो। तो अगेन वही थोड़ी सी चढ़ाई, चलते चलो जय माता दी बोलते चलो। तो ये बुनियारो लुकआउट, यहाँ से आपको दिखाई देगी बुनियारो वैली। और मैं कहता हूँ ये बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है, क्या बात है, अमेजिंग। और वो जो सफ़ेद गाड़ी जा रही है दिख रही है, हम उसी ट्रैक पे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आगे बढ़ेंगे और वहाँ से निकलेंगे उन पहाड़ों की तरफ। वो शायद वो विलप इन अ पाउंड, वो जो मैं आपको दिखाया था सुबह, उसी की एज है दूसरी तरफ से, बिल्कुल अपोजिट साइड से। बट ये वैली का नज़ारा बड़ा ही शानदार है, अमेजिंग। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आएँ तो फ्लिंडर रेंजेस में ज़रूर आएँ, बिल्कुल भी मिस ना करें। काफ़ी शानदार, और ये सूखा पेड़ सूख चुके हैं लेकिन खड़े हैं, वो जिस तरह कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, यही जज्बा होना चाहिए सबके अंदर। चलिए फिर अब मिलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे। अब हम वहाँ से ड्राइव करके वो जो आपको दिख रही है कच्ची सड़क वैली के साथ साथ, और जहाँ पे वो अभी सफ़ेद गाड़ी गई हुई है वहाँ से निकलेंगे। तो सारा रास्ता शूट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आपको दिखा देते हैं यहीं से वो सफ़ेद गाड़ी अभी निकलेगी दूर से। बहुत ही अच्छी हवा लेकिन चिलचिलाती धूप, तो सनस्क्रीन लगा लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया आए सनस्क्रीन के डब्बे भर भर के लाएं, अगर धूप में जाएंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो सफ़ेद गाड़ी उस सड़क पे हम अभी जाएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, मिलते हैं। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन रेजर बैक लुकआउट, और यहाँ से एक वैली का काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को, फ्लिंडर रेंजेस के जंगलों को देखने का। वहाँ से दिख रहा है एक नदी बह रही है, जहाँ जहाँ नदियाँ वहाँ वहाँ खूब खूब पेड़ है नदी के आसपास, और ये एक शानदार स्काईलाइन। वाव, फीलिंग ब्लेस्ड, कैसी जगह पे ड्राइविंग करी। डन, आओ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए। अगला डेस्टिनेशन एक और सीनिक ड्राइव है, अगर वो सड़क मिलती है तो उस पर चढ़ा लेंगे, अदरवाइज बढ़ते चलेंगे। तो हमने ये सीनिक ड्राइव ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बुनियार
मजा ही आ गया जी। तो एक्चुअली ये सीनिक ड्राइव्स हैं, आप गाड़ी चला के जाओ ड्राइव्स पे, उसके बाद ड्राइव से थोड़ा अंदर जाओ तो लुकआउट्स इन्होंने बना रखे हैं, आप लुकआउट्स पे जाओ और इन्जॉय करो, लुकआउट्स पे फ़ोटो वोटो खींचो। और कैंपिंग ग्राउंड भी हैं रास्ते में, आप चाहो तो कैंप भी कर सकते हो, ओवरनाइट रुक सकते हो यहाँ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, और अपनी रात बिता सकते हो। लेकिन अभी इतनी धूप है, हम अभी कैंप नहीं करेंगे यहाँ पे। हमारा पहले प्लान था कि यहाँ पे कहीं जंगल में बीच में बुनियारो रोड के आसपास, बुनियारो ट्रेल जो ये सीनिक ड्राइव, इसके आसपास कहीं कैंप करेंगे रात को। लेकिन ये इतनी बड़ी सीनिक ड्राइव नहीं थी जितनी मैंने सोची, तो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। तो अभी धूप ही है, 3 ही बजे, 2:45 का टाइम हुआ है। तो जो कल का शेड्यूल था, जो कल का शेड्यूल होना था, जो कल का शेड्यूल है, वो आज से शुरू कर रहे हैं हम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम वहाँ से आए, बुनियारो सीनिक ड्राइव, और यहाँ के टी इंटरसेक्शन बन गया। यहाँ पे हमें ये साइन मिला है, ये है ब्राशीना गोर्ज जियोलॉजिकल ट्रेल, और 11 किलोमीटर तक है आगे, और पीछे की तरफ 1 किलोमीटर तक है, आगे अरुणा रुइंस है कुछ 8 किलोमीटर पे। तो वो देखने का प्लान बना है, तो उस साइड चलते हैं। और रात को वो ब्लिनमैन शायद एक छोटा टाउन है, ब्लिनमैन छोटा टाउन, तो वहाँ पे जाके रुकेंगे रात को। तो चलो बढ़ते हैं आगे, बड़े ही चलो। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं अपने आज के अगले डेस्टिनेशन में, अकुरा रुइंस, और रुइंस का क्या नाम था, अरुणा रुइंस, अकुरा नहीं अरुणा रुइंस, नाम में बड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन्स हैं यहाँ पे, नंजा इनारडी नंजाला परलू यारता, तो इसका मतलब है ग्रीटिंग्स, वेलकम टू दिस लैंड, वेलकम टू अरुणा वैली। ओके, तो अदन्या मथाना लोगों का लैंड है ये, पहले भी आपको बताया, तो उन्हीं लोगों का लैंड है, उसी के लैंड में हम घूम रहे हैं। तो काफ़ी पुरानी, कई मिलियंस ईयर्स पुरानी लैंड, ये फॉर्मेशंस यहाँ पे काफ़ी, और ये एक टूटी पुरानी झोपड़ी, एक पुराना घर है यहाँ पे, शेड नया लगाया गया है, और जो दीवारें हैं वो थोड़ी इसकी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। ये है पंपाज हट, ये पंपा जी की हट है, 1925 में बनी थी, एडी पंपा एंड हिज फैमिली। तो एडी पंपा जी और उनकी फैमिली जी यहाँ पे रहते थे किसी टाइम, और अब ये जो है बिल्कुल खाली हट हो चुकी है। ये पंपा जी की हट देखते हैं अंदर से, तो पंपा जी रहते थे यहाँ 1925 में, तो अब तो ये बिल्कुल क्या नाम है, खंडर हो चुकी है, बट फिर भी एक एक्सपीरियंस। और यहाँ पे निशान बने हुए हैं, जैसे देखिए ये चल के जाने का निशान, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप यहाँ पे गया हो या किसी ने बनाया हो। चलिए कहीं सांप सूप जी ना बैठे हों, आसपास देख लेते हैं। पंपा जी की हट, ये उनका ड्राइंग रूम चिमनी, यहाँ पे वो गर्म होते थे सर्दियों में, और बरांडा पीछे वाला बरांडा काफ़ी अच्छा। लकड़ियों की दीवारें, और ये शायद उनका बेडरूम। ये ज़्यादा तो कुछ नहीं है यहाँ, बस स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया गया है, और पीछे स्टोरेज एरिया। तो निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वो ज़रूर उनका बाथरूम रहा होगा। और काफ़ी कैंपिंग साइट्स भी हैं यहाँ पे आसपास। तो एक छोटी सी वॉकिंग ट्रेल है वहाँ पे भी,
देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है, अगर कुछ जचा तो वॉक करके ऊपर चलेंगे। जुली जी हमारी कैप दो, इसके स्टिकर मत उतारना बिल्कुल भी, क्योंकि लगना चाहिए ये यहीं से खरीदे थे हमने। थोड़ा सोवनियर कलेक्ट किया आज हमने फिलिपिनो पाउंड में, अदनिया मथाना वो जो नाम मेरे से लिया नहीं जा रहा, उन लोगों के लैंड में हम आए हैं। फ्रूट्स, चलिए फ्रूट्स भी खा लेते हैं साथ साथ में, लाइए आलू बुखारा। तो करीब 100 मीटर चलना पड़ेगा, हेसन ट्रेल आज के दिन की आखिरी चढ़ाई, अरुणा रुइंस हैं 100 मीटर के ऊपर, तो चलिए 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं आपको दिखाएंगे। तो 100 मीटर की चढ़ाई कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, हम पहुंच गए हैं अरुणा रन। तो अरुणा रन क्या है कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ रहते थे और मौसम के साथ ऊपर नीचे पहाड़ों के उस पार चले गए उधर चले गए, घूमते फिरते रहते थे इसी एरिया में, थोड़ी नोमैडिक लाइफ जीते रहते थे पानी की खोज में, जहाँ पानी होता था वो वहीं जा के रहते थे, फिर आगे और कहीं पानी हो जाता था 2-3 महीने बाद फिर वहाँ जा के रहते थे, ऐसे घूमते रहते थे। तो जब यूरोप से सेटलर्स आए फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो वो भी पानी की खोज में ही रहते थे इस एरिया में, कहीं पानी मिले कुछ बात बने कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम बिजनेस वगैरह शुरू किया जाए, तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास उन्हें पानी मिला। और एक महाशय जी थे जिनका नाम था जॉनसन फ्रेडरिक हेवर्ड, 1851 में वो आए इस रिमोट एरिया में और उन्होंने भेड़े पाली, और उस टाइम उनकी भेड़े इतनी अच्छी बोल दी उनकी भेड़ों ने, तो वो यहाँ पे अरुणा होमस्टेड उन्होंने बनाया और इतनी अच्छी उनकी कारोबार हुआ ऊन का उनकी भेड़ों से, तो अपने साथ इंग्लैंड उस टाइम 1854 में से 1862 में करीब 40,000 पाउंड अपने साथ वो ले गए इंग्लैंड, जो आज के 3.5 मिलियन डॉलर होंगे, और सिर्फ 15 साल उन्होंने बिताए इस जगह और इतने 40,000 पाउंड वो ले गए। और जब वो यहाँ आए थे उस टाइम 1851 में जब वो यहाँ आए थे तो उनके पास सिर्फ 40 पाउंड थे, 40 पाउंड उस टाइम थे करीब $3,500, और जब वो वापस गए तो 40,000 पाउंड के साथ करीब 3.5 मिलियन डॉलर के साथ वो वापस गए, सिर्फ इस एरिया में भेड़े चरा के उनकी वूल बेच के उन्होंने अपना अच्छा कारोबार कराया। तो ये अरुणा होमस्टेड, तो ये कुछ रुइंस हैं और ये लुकआउट है अरुणा का। जूली जी तो यहाँ बैठ के बिल्कुल इंजॉय कर रही हैं अरुणा के रन्स रुइंस को। तो जूली जी तो बिल्कुल काउ बॉय काउ गर्ल लग रही हैं आज ये हैट पहन के। तो मैं थोड़ा आपको रुइन दिखाता हूँ, तो 1800 में बने थे। इंडिया में तो बहुत पुराने हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से दिस इज़ हिस्ट्री। बस यही है जी, अरे शायद वो है उनका जुगाड़, रहना खाना पता नहीं और भी होगा पीछे तक, जो बचा है वो तो यही है, बट चलो अभी भी मजबूत है इसकी नींव। लेकिन ये वैली का नज़ारा एकदम शानदार ज़बरदस्त। तो फ्लिंडर रेंजेस इज ऑल अबाउट वैलीज, लुकआउट्स, कैंगरूज, फॉरेस्ट, तो यही सब है।
तो चलिए आगे बढ़े जुली जी, दिन आगे बढ़ाते हैं फिर। ये तो जो हमारा कल का शेड्यूल था आगे बढ़ने का, वो आज ही चालू हो गया ना। तो शायद हम कुछ एक दिन की सेविंग कर लें, एक दिन के टाइम की। तो काफी रिमोट है एरिया बट काफी शानदार, यहाँ पे कैंपिंग भी आप कर सकते हैं। पीछे कुछ कैंपिंग साइट्स थे, किसी को आना हो अकेले में टाइम बिताना हो, जैसे एक माशे जी ने हमें कहा था भाई हम तो अकेले टाइम बिताने आए हैं, हमारे आसपास कैंप मत लगाना, कल वाले नहीं पहले वाले। तो उनकी बात समझ में आती है, कोई अगर आए कैंपिंग करने आया हो आबादी से दूर और पास में कोई मेरे जैसा टेंट गाड़ दे फिर से उसको आबाद कर दे तो बेचारे का खून तो जलेगा, तो खून तो जलेगा। चलो एक बात हमने इस ट्रिप में सीखी कि जब कैंपिंग करें तो पड़ोस में कैंप डालने से पहले पूछ लेंगे भाई इफ़ इट इज़ ऑल राइट, इफ़ इज़ इट ओके, तो अगर ठीक ठाक हो तो ही कैंपिंग लगाएं। चलिए अपनी लाल गाड़ी हमारी वेट में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी मैली हो गई है गाड़ी, धूल बहुत उड़ रही है, अब तो इसके दरवाजे भी चूँ चूँ करने लग गए। तो ब्राशिना रोड पे वापस चढ़ गए थे हम और निकल रहे थे, तो फाइनली एक हमें मिली एक सूखी हुई नदी, और उस नदी में फिलहाल थोड़ा सा पानी बह रहा है, कम से कम सारी नदियां नाले सूखे हुए थे बट ये एक इकलौती ऐसी है जिसमें थोड़ा सा पानी चुड़क चुड़क बहने लग रहा है फिर भी। और बारिश होती तो ये नदी भरी होती, फिर तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस रास्ते पे हम पार हो जाएंगे, फिर तो मुमकिन ही नहीं था। वो खाइयां सी हैं उस साइड नदी, जैसे अपने वो चंबल। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से निकलेंगे हम, ब्राशिना रोड को डिस्कवर कर रहे हैं हम, यहाँ की सीनरी, वो नदी जिसमें थोड़ा सा पानी। और ये सड़क होने का साइन भी लगा रखा है। चलिए